Like you said, Narendra Modi is in Pune today. He'll be speaking to the students at Ferguson College. He's currently addressing them. Let's listen in. Sriman Dr. Sri Krishna Kanetkar ji, Dr. Ravindra Singh Pardeshi, mere saathi Sriman Shyam Jaju ji, उपस्थित सभी महानुभाव और सब नौजवान मित्रों, जो लोग इस सभागृह में नहीं पहुंच पाए हैं और जिन्हें दूर से ही इस कार्यक्रम को देखने का अवसर आया है, उन मित्रों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कार्यक्रम के बाद रुकिए, मैं आपके पास आऊंगा। मैं श्रीमान विजय शिर्के जी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल को सुरक्षित और संवर्धन करने के लिए अपना परिवार का योगदान दिया और इस पवित्र कार्य को करने के लिए जिस महापुरुष, जिस परिवार ने योगदान किया, उनका सम्मान करने का मुझे सौभाग्य मिला, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। कई वर्षों से फर्ग्यूसन कॉलेज के संबंध में, यहां की शिक्षा प्रवृत्ति के संबंध में, और जब भी कुछ महापुरुषों के जीवन को पढ़ने का अवसर मिला तो अवश्य रूप से फर्ग्यूसन कॉलेज का उल्लेख आया। तो एक तो मन में था ही कि कभी न कभी इस पवित्र धरती की रज हमारे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिले, वो सौभाग्य आज मुझे मिला। वीर सावरकर जी जिस जगह पर रह करके स्वातंत्र देवी के उपासना करते थे अपने शिक्षा काल में, जहां से वो स्वातंत्रता का संदेश अपने साथियों को सुनाते थे, उस कक्ष में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। भारत मां की उत्कृष्ट सेवा करने की तीव्रतम इच्छा के वाइब्रेशंस उस कक्ष में अनुभव किए। ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और जिस स्थान पर मैं अभी खड़ा हूं, इतिहास गवाह है कि 100 साल पुरानी ये विरासत है, और जहां पर देश के गणमान्य महानुभाव ने अपने विचारों से युवा पीढ़ी का और राष्ट्र का मार्गदर्शन किया है। हम कुछ भी न करें, किसी वक्ता को भी न बुलाएं, सिर्फ मौन होकर के 100 साल की उस विरासत के साथ बैठ करके हम अनुभव करें और मन में स्मृत स्मरण करें कि इस भूमि पर गांधी आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा, सीवी रमन आए होंगे तो कैसा दृश्य होगा। ऐसे ऐसे महापुरुष जब इस कक्ष में आए होंगे, वो पल कैसी होगी अगर हम मौन रह करके कुछ पल उस स्मृतियों का स्मरण करें। तो मित्रों, मुझे विश्वास है
कि उन महापुरुषों के शब्द भाव आज भी यहां आंदोलित होते होंगे। हम उस आंदोलित भावों को अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ हमारी मन की स्थिति होनी चाहिए। अगर हमारे मन की स्थिति हुई तो हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे टीवी पर हमें पसंद की चैनल चलाते हैं और वो चैनल हमारे पास आती है, वैसा ही मन की चैनल भी होती है। अगर उस चैनल को उनके साथ जोड़ दिया तो हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और ऐसे स्थान पर मुझे कुछ कहने का सौभाग्य मिले, ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ी सद्भाग्य की पल है। और मैं इसके लिए यहां के सभी व्यवस्थापकों का बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में आना मेरा जब तय हुआ तो मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया। मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूं, ट्विटर फेसबुक पर इस नई पीढ़ी के साथ मैं जुड़ा रहता हूं, उनके विचारों को जानने का मुझे बहुत अच्छा अवसर मिलता है। तो मैंने इस फर्ग्यूसन कॉलेज में आने से पहले फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट लिखी थी, मैं फर्ग्यूसन कॉलेज जा रहा हूं, वहां से विद्यार्थी मित्रों से मिल रहा हूं, आपको क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए। आप मुझे गाइड करें, मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसा मैंने सोशल मीडिया में एक्टिव जो नौजवान है उनसे प्रार्थना की थी। और मैं आज बड़े आनंद और गर्व से कहता हूं कि देश के कोने कोने से 2500 से अधिक नौजवानों ने मुझे चिट्ठी लिखी है। इस यहां पर क्या बोलना, क्या कहना, उनके मन में क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है, इतने उत्तम शब्दों से उन्होंने लिखा है। मेरे भाषण में उन नौजवानों के विचारों की छाया रहेगी क्योंकि मैंने उनसे पढ़ा है। एक प्रकार से आज के मेरे भाषण को बांधने में बहुत एक मात्रा में सोशल मीडिया में मुझे एडवाइज करने वाले उन नौजवानों का योगदान है। और एक प्रकार से ये भाषण मोदी का नहीं है, ये भाषण उन 2500 सोशल मीडिया पर एक्टिव और प्रोएक्टिव उन नौजवानों का है। मैं सिर्फ उसको मेरी वाणी दे रहा हूं और हो सकता है कुछ भाषा में मेरे अपने भाव प्रकट होंगे, लेकिन मूल विचार उन नौजवानों ने दिए हैं। मैं फिर से एक बार उन नौजवानों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एक संतोष व्यक्त करता हूं। कभी कभी चर्चा होती है कि भाई देश के नौजवान, देश की स्थिति क्या चलता होगा। इन 2500 देश के हर कोने में से है, कश्मीर से भी लिखने वाले लोग हैं, नागालैंड मिजोरम से भी लिखने वाले लोग हैं, कन्याकुमारी से भी लिखने वाले लोग हैं, हर कोने से लिखने वाले लोग हैं। और एक मैं समान शत्रु भाव देखता हूं उसमें, एक तंतु देखता हूं अगर मैं समान, तो समान तंतु ये नजर आता है कि ये सब के सब देश की हर बात से, हर घटना से बहुत ही कंसर्न है। हम जो मानते हैं कि नहीं हमारे नौजवानों को परवाह नहीं, वो तो बस जींस का पैंट पहनना और लंबे बाल रखना यही उनका काम, ऐसा नहीं है। वे सोचते हैं, वे कुछ करना चाहते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। और ये मैंने आज ये फर्ग्यूसन कॉलेज के मेरे लेक्चर के माध्यम से जब ये अनुभव किया कि नौजवानों के दिल में क्या आग है, क्या स्पार्क है, क्या सपने हैं, कितना सामर्थ्य पड़ा है, कठिनाइयों के बावजूद भी कुछ करने का कितना उमंग और उत्साह है, कि मैंने अनुभव किया है। और जिस देश का नौजवान कितना सामर्थ्यवान हो, कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस देश का भविष्य कभी भी अंधकारमय नहीं हो सकता है। ये मैं आज इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं।
और भारत भाग्यशाली है, हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। 65% जनसंख्या हमारे देश की 35 से कम आयु की है, जिस देश के अंदर 65% से अधिक जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वो युवा देश दुनिया को क्या कुछ नहीं दे सकता है, दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। एक प्रकार से न सिर्फ हिंदुस्तान की समस्याएं, विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भी ये युवा शक्ति काम आ सकती है, बशर्त कोई करने वाला हो, कोई सोचने वाला हो, कोई दिशा देने वाला हो, कोई उंगली पकड़ करके चलने वाला हो। सब कुछ संभव है मित्रों। आज जो देश में निराशा का माहौल है, चारों तरफ कोई भी मिले तो सुनता है, छोड़ो यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, यहीं पैदा हुए, छोड़ो यार, कुछ होना नहीं यार, अरे मरो यार, तुमको और भी परवाह करते हो, तुम अपना कर लो यार, देख लो, यही भाषा सुनाई देती है। मित्रों, मैं इस भाषा को एंडोर्स नहीं करता हूं, मैं इस निराशा के स्वर को एंडोर्स नहीं करता हूं। यह बहुरत्ना वसुंधरा है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत के हम धनी हैं, 1200 साल की गुलामी के बावजूद भी सीना तान करके खड़े रहने का सामर्थ्य इस धरती पर है। क्या कारण था कि लोकमान्य तिलक ने अंग्रेज सल्तनत के उस समय ललकार किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कौन सा ताकत था, कौन सा आत्मविश्वास था? अगर गुलामी के उस कालखंड में भी उस समय के हमारे नेताओं में ये सामर्थ्य था, तो आज तो देश स्वतंत्र है। निराशा किस बात के लिए? और इसलिए मित्रों, देश में इस निराशा के माहौल से ऊपर उठना बहुत आवश्यक है। और ऐसा नहीं है सब कुछ डूब चुका है, आज भी बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो ऐसा क्यों हालत हुआ? जो लोग हमारे देश के एजुकेशन के इतिहास को जानते हैं उनको पता होगा, हजारों वर्ष से हमारी क्या परंपराएं थी, कितनी महान परंपराएं थी। मैं तो इस रिसर्च स्कॉलर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी गुरुकुल की शिक्षा परंपरा और आज अमेरिका के मॉडर्न एजुकेशन के सिस्टम, दोनों को आधुनिक तराजे से तौल करके देखा जाए तो हमें ध्यान में आएगा कि जिस प्रकार से अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में व्यक्ति के भीतर की ताकत को उजागर करने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार उसको विकसित होने का माहौल दिया जाता है, उसको फीड नहीं किया जाता है, उसको लर्निंग के लिए रास्ते दिखाए जाते हैं। अगर हम हमारी गुरुकुल परंपरा को देखें तो उसमें क्या था, एक ही ऋषि की चर्चा हो, एक ही ऋषि के आश्रम की चर्चा हो, लेकिन उसी ऋषि के यहां राजकुमार भी पढ़ता है, योद्धा भी पढ़ता है, राज व्यवस्था के संभालने वाले मंत्री लोग भी पढ़ रहे हैं, कर्मकांड करने वाले पंडित भी पढ़ रहे हैं, वेद के ज्ञानी होना चाहते हैं वो भी पढ़ रहे हैं। क्या कारण होगा कि एक ही छोटा सा आश्रम, एक ही ऋषि और वहां सब विधाओं को इस प्रकार से सामर्थ्यवान बनने के लिए अवसर मिलता होगा? उसी एक जगह से राजकुमार के नाते चाहिए वो शिक्षा दीक्षा लेकर के निकलता था, योद्धा योद्धा के लिए जरूरी शिक्षा दीक्षा लेकर निकलता था,
टीचर टीचर के लिए जरूरी है, क्राफ्टमैन क्राफ्टमैन के लिए, पंडित पंडित के लिए क्या कारण था। और आज उस पुरानी परंपराओं को देखें तो क्या हम सोच नहीं सकते कि हमारे पास बहुत कुछ था, हमने गंवा दिया। मैं तो हमारा सपना होना चाहिए गुरुकुल से विश्वकुल तक यात्रा का। हम वो लोग हैं जिन्होंने उपनिषद से उपग्रह तक की यात्राएं की हैं, गुरुकुल से विश्वकुल तक सपने संजोए हैं। लेकिन फिर भी आज विश्व जब 21वीं सदी किसकी उस सवाल को पूछता है तब हम सवाल या निशान के नीचे झुक करके खड़े हो जाते हैं, ये स्थिति कब तक। मित्र जो यूनिवर्सिटी के इतिहास को जानते हैं उनको मालूम होगा हमारे यहां कॉन्वोकेशन का जो परंपरा है यूनिवर्सिटीज में, सबसे पहला कॉन्वोकेशन उसका उल्लेख तैत्रेयी उपनिषद में मिलता है। दुनिया में मानव जात के इतिहास में सबसे पहला कॉन्वोकेशन तैत्रेयी उपनिषद में दिखाया जाता है, जो कि हजारों साल पुरानी रचनाएं हैं। मित्रों, अगर यूनिवर्सिटीज के अवेलेबल हिस्ट्री को देखा जाए तो कहा जाता है कि पूरी मानव संस्कृति की विकास यात्रा में यूनिवर्सिटी शिक्षा का की उम्र कभी 2600 साल हुई है, 2600 ईयर्स। और मित्रों, आज मैं गर्व से कहता हूं 2600 साल की इस शिक्षा दीक्षा के यात्रा में 1600 साल तक 1800 साल तक उस पर एक चक्री शासन किसी का रहा है तो हिंदुस्तान के हमारे शिक्षकों का रहा है, हमारी शिक्षा प्रणाली का रहा है। बीच के 800 साल जो हमारे गुलामी के थे उस समय हमने सब गंवा दिया और विश्व की शिक्षा प्रणालियों ने अपना सर ऊंचा किया। 1800 साल तक शिक्षा के क्षेत्र में सर्वमान्य व्यवस्था हमारे यहां थी। हम नालंदा और तक्षशिला के लिए सुनते हैं, हम बल्बी के लिए सुनते हैं। बल्बी गुजरात में था, नालंदा तक्षशिला पूर्व के हिस्से में थे और दुनिया से लोग पढ़ने के लिए यहां आते थे। और बल्बी तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि जहां पर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लोथल में स्वतंत्र समुद्र किनारे पर पोर्ट बनाया गया था और करीब 84 देश के लोग वहां आते थे समुद्र तट पे लोथल में, और वहीं से नजदीक में 50 किलोमीटर की दूरी पर बल्बी में जाकर के पढ़ाई शिक्षा दीक्षा लेते थे। ये हमारा भव्य इतिहास रहा है। क्या हुआ मित्रों, देश आजाद होने के बाद अगर हमने हमारी इस महान परंपरा को फिर से उजागर करने के सपने दिखे होते, आधुनिक शिक्षा की ओर हमने करवट बदली होती, विश्व की आधुनिक शिक्षा को ग्राह्य करने का हमने सोचा होता तो 60 साल के इतिहास में हम बहुत कुछ कर सकते थे। आज भी मित्रों देखिए, मैं इस पवित्र धरती पर से कोई राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं चाहता, लेकिन भारत के नागरिक के नाते, आजाद हिंदुस्तान के समय में सारे हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक की आशा आकांक्षाएं थी, क्या वो आशा आकांक्षाएं परिपूर्ण हुई है? मित्रों, शिक्षा वो हमारे लिए मैन मेकिंग मिशन था, आज शिक्षा मनी मेकिंग मशीन बन गया है। क्यों, कौन जिम्मेवार है? मैन मेकिंग मशीन से हम मनी मेकिंग मिशन मशीन की ओर चल पड़े हैं। मित्र, ये गिरावट कैसे आई? क्या ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था? ये हमारी परंपराएं थी? उस परंपराओं के सामने किसी ने तो खड़े होने की आवश्यकता है मित्र। और मैं तो निराश नहीं हूं, ये स्थितियां भी बदली जा सकती है, स्थितियों को ठीक किया जा सकता, लेकिन इसके लिए आपके पास विजन चाहिए। आप कल्पना करें मित्रों, आज भी श्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों की जब चर्चा होती है तो किसकी होती है? फर्ग्यूसन कॉलेज की होती है, शांति निकेतन की होती है,
मालवीय जी द्वारा प्रारंभ की हुई हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की होती है, बिट पिलानी की होती है, इसमें कहीं सरकार है क्या? कहीं सरकार नजर आती है क्या? महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया वो विद्यापीठ तरफ नजर जाता है, गुजरात विद्यापीठ पर? कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि आजादी के पहले देश गुलाम था, तब भी हमारे इन महापुरुषों ने शिक्षा का महत्व समझा और समझ करके जिन संस्थानों को जन्म दिया था, किसी की उम्र 100 हुई होगी, किसी की 80 हुई होगी, किसी की 100 से ऊपर हुई होगी, इन सब में किसी न किसी महापुरुष का योगदान है, शासन व्यवस्था का योगदान नहीं है। कि आजादी के बाद कोई ऐसी चीज नहीं कर सकते थे कि जिसके कारण पूरे विश्व के अंदर हम गर्व से कहें कि हां भाई शिक्षा के क्षेत्र में हम ये काम कर रहे हैं, ये नहीं हुआ। मित्रों, मैंने खुद तो उस गैजेट को स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे किसी ने के भाषण में मैंने बहुत सालों पर सुना था, 1835 के गैजेट्स कहते हैं, 1835 कहते कि उस समय बंगाल 100% लिटरेट था 1835 में। आज क्यों ऐसा हुआ? क्या आजादी के बाद उन सपनों को पूरा ना कर पाए? मित्र, आप देखिए केरल में, केरल आज शिक्षा के क्षेत्र में हर गांव में शिक्षा पहुंचाने में सफल हुआ है, पूरे देश में केरल ना एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन उसकी बारीकी में जाए तो ध्यान में आता है कि सरकारों का योगदान नहीं है। शिवगिरी मठ के नारायण गुरु महाराज हो गए 100 साल से अधिक समय के पहले, पिछड़ी जाति में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने एक मंत्र लिया था कि मुझे केरल के हर मछुआरे को शिक्षित करना है, हर गरीब को शिक्षित करना है, और उसका परिणाम ही आया। 100 साल पहले एक नींव डाली गई, आज केरल शिक्षा के दिशा में समग्र देश के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन के बैठा है। योगदान किसी का? शिवगिरी मठ के नारायण गुरु स्वामी का, जिन्होंने अपना जीवन इस काम के लिए खपाया था। कहने का मेरा तात्पर्य यह है मित्रों कि व्यक्तिगत तौर पर आजादी के पूर्व से हमारे कई महापुरुषों ने योगदान दिया, उसके कारण हम टिके हुए हैं। काश अच्छा होता, समयानुकूल परिवर्तन के साथ मैं मित्रों काल बाह्य चीजों को छोड़ने का पक्षकार हूं, मैं आधुनिकता का पक्षकार हूं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, आधुनिकता चाहिए पश्चिमीकरण नहीं। हमारे अपने सामर्थ्य हैं मित्रों, हम हमारी शिक्षा को विश्व के सामने आंख से आंख मिला करके ताकत के साथ खड़ा कर सकें, ऐसे हम हमारे नौजवान क्यों नहीं तैयार कर सकते? मित्रों, दुनिया हमारी शक्ति को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब हमारे 20-25 साल की उम्र के नौजवान आईटी के क्षेत्र में उन्होंने अपना रुतबा दिखाना शुरू किया और दुनिया को उंगली पर नचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके विश्व में फैल गए, तब जगत को ध्यान में आया, अच्छा हिंदुस्तान के पास ये भी है, ये सामर्थ्य हमारे लोगों ने दिखाया। क्या मित्रों हम इन्हीं चीजों को आगे नहीं जा सकते? मित्रों, आज पूरे विश्व में 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, इसकी चर्चा तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं। इस देश के कई प्रधानमंत्री हमको ये कह के गए कि 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। हमारे कान इन सबको सुनते सुनते थक गए, लेकिन क्या कभी हमने 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने उसके लिए कभी सोचा मित्रों? और अगर 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आजाद हिंदुस्तान के प्रारंभ से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 50 साल के भीतर देश को कहां ले जाना है, 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे तब हम कहां होंगे, उसका एक सपना देख करके उस सपने को पूरा करने की व्यवस्थाओं को सोचा होता तो शायद आज हम यहां खड़े हैं, वहां नहीं खड़े होते। आप साउथ कोरिया को देखिए, हमारे ही कालखंड में वो आजाद हुआ, और फर्क देखिए मित्रों,
साउथ कोरिया गुजरात और साउथ कोरिया बराबर पॉपुलेशन है, गुजरात की साइज और साउथ कोरिया की साइज समान है। इतने कम समय में साउथ कोरिया दुनिया के समृद्ध देशों में आ गया। इतना ही नहीं, साउथ कोरिया जैसा छोटा देश ओलंपिक गेम का होस्ट बनता है। सियोल के ओलंपिक गेम्स के नाते साउथ कोरिया ने सारे विश्व में अपना पोजीशनिंग कर लिया। खेल के माध्यम से दुनिया में साउथ कोरिया ने अपना पोजीशन कर लिया और इतने छोटे देश में इतना बड़ा इवेंट करके सारे दुनिया को चकित कर दिया कि क्या मानव ताकत होगी इनके पास, कैसे ट्रेन मैन पावर होगा, कैसे विजनरी लोग होंगे। और 120 करोड़ का देश, सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज करना था, CWG, क्या कर दिया हमने दुनिया में, देश की इज्जत को लुटा दिया हमने, लीलाम कर दिया। खेलकूद की दो घटनाएं, एक घटना साउथ कोरिया को विश्व के मानचित्र पर शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभार करके रख देती हैं और दूसरे एक छोटी सी कॉमनवेल्थ गेम की घटना हमारे देश की इज्जत की मिट्टी में मिलाने का काम करती है। मित्रों, तब सवाल उठते हैं, चिंता तब होती है, क्या हम देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती है उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पर चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, डिकना देश ये कह गया। मैं सवाल, ठीक है, स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा, हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि निभाले हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5-7-10 तो एवॉर्ड मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्र, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पड़क के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मैं तो राष्ट्र ऐसे नहीं चलते। और इसलिए जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यह उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है। मित्रों, सरकार बजट खर्चती है, क्या करती है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। मित्रों, बात होती है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या, क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है क्योंकि टेंडर होता है। और इसलिए मित्रों हमारी प्रायोरिटीज हमने तय करनी होगी। ऐसा नहीं है मित्रों कि समस्याओं के समाधान नहीं है, समस्याओं के हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। पूरब की तरफ झोंक है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। बात अटकी हुई है चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। मित्रों, 21वीं सदी में सर्वोपरिता के दरवाजे पर आकर के खड़े हुए दो देश, एक का रोडमैप देखिए और दूसरे का रोडमैप देखिए, हमें पता चलेगा। मित्रों, 1978 चाइना ने तय किया कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल देना है, तो चाइना ने क्या किया, एक कमीशन बिठाया और उस देश की प्रायोरिटी तय की, कौन सी प्रमुख चीजें हैं जिस पर हमने बल देना है।
एग्रीकल्चर को छांटा, एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छांटा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को छांटा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस को छांटा, चार पांच मुख्य बिंदुओं को उन्होंने छांटा। और फिर इसको पार करने के लिए पहली क्या जरूरत है, तो हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के लिए ढालना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, सारी एजुकेशन सिस्टम को उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने डाइवर्ट किया, चैनलाइज किया, उसकी प्रायोरिटी चेंज की। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी, 2000 में, मैं बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं, जनसंख्या में हिंदुस्तान और चाइना में ज्यादा फर्क नहीं है मित्रों, स्वभाव से भी एशियन कंट्रीज के नेचर काफी मिलते जुलते हैं, उसके बावजूद भी 2000 में विश्व की जो 500 प्रमुख यूनिवर्सिटीज है उसमें हिंदुस्तान की दो यूनिवर्सिटीज का नाम था और चाइना की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं था। मित्रों, 10 साल के भीतर भीतर क्या हुआ, हम दो में से एक हो गए। तुम्हारा हिंदी चालेल ना, तो मराठी करे। मित्रों, मुझे बताइए, हिंदुस्तान 2000 में विश्व की 500 यूनिवर्सिटी में हम दो थे, एक हो गए, चाइना जीरो था, 32 हो गया। और उनको लैंग्वेज की समस्या है मित्रों, हम लोगों को लिए अंग्रेजी मुश्किल काम नहीं है, सहज रूप से हमारे यहां काम करने वाला भी हेलो बोलता है, हमारे लिए वो कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बावजूद भी ये स्थिति क्यों बनी, चाइना ने मित्रों अपने एजुकेशन के लिए जो रोड मैप बनाया है, मैं तो चाहूंगा कि फर्ग्यूसन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट उसको अध्ययन करके नौजवानों के सामने रखे, कैसे किया है उन्होंने। मित्रों, उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। अब बताइए मुझे, अगर हमें नेशन बिल्डिंग करना है तो ह्यूमन बिल्डिंग की जरूरत है, अगर हमारे मानव संसाधनों का विकास करना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, व्यवस्थाओं की जरूरत है। विश्व भर में फैले हुए हमारे भारतीय भाई बहन दुनिया के अनेक यूनिवर्सिटीज में नाम कमाते हैं, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी सोचता नहीं है कि हम उनको कभी वापिस लाए। मैं तो आपको जानकर के हैरानी होगी, पीएचडी हमारे यहां पहले कोई 50-55 हजार डॉक्टरेट थे, उस समय चाइना के पास शायद 6000 थे, आज मित्रों चाइना 70-80 हजार को क्रॉस कर गया है और हम जहां थे वहां से पीछे हट गए। इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका में देखिए व्यवस्था है, अमेरिका में ये व्यवस्था है कि यूनिवर्सिटीज रिसर्च करती है, लेकिन वो सिर्फ पीएचडी लिखने के लिए या डॉक्टर लिखने के लिए रिसर्च नहीं होती है, रिसर्च किए हुए हर कागज का राष्ट्र निर्माण के अंदर एक दस्तावेज के रूप में उपयोग होता है, एक डॉक्यूमेंट के रूप में होता है। अगर अमेरिका को मान लीजिए तिबेट की फॉरेन पॉलिसी बनानी है या तिबेट से ट्रेड रिलेशन करना है, तो पहले क्या करते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी 10-12 यूनिवर्सिटीज अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के वहां के स्टूडेंट्स को तिबेट में रिसर्च करने के लिए भेजती है, वो तिबेट का पूरा रिसर्च कर करके ले आते हैं, वो रिसर्च के आधार पर उस पेपर्स जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उनको दिया जाता है, उसके आधार पर अमेरिका तिब्बत के साथ अपने रिलेशन की पॉलिसी फ्रेम करता है और ज्यादातर उनको नुकसान कम होता है, सर्वाधिक अपने फायदे के क्षेत्र में। क्यों? तो रिसर्च की हुई चीजों को पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में जोड़ा जाता है। मित्रों, मैं दुख से साथ कहता हूं, देश आजाद होने के बाद
जितने लोगों ने रिसर्च किया है इसका कोई यूनिफाइड डाटा इस देश के पास नहीं है। कितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किस विषय पे गोल्ड मेडल लिया है, देश के पास जानकारी नहीं है। कितने लोगों ने रिसर्च किया है, उस रिसर्च का क्या उपयोग हो सकता है, उसने रिसर्च किया वो डॉक्यूमेंट कहां पड़ा है। क्या मित्रों आज की टेक्निकलिटी में और कंप्यूटर साइंस के उपयोग में ऑनलाइन चीज में हम इसको कम से कम कंपाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसको कंपाइल करके उसमें उनके उनके ग्रुपिंग करके उनको कभी बुला करके बताइए भाई इतना रिसर्च किया था, आपको क्या लगता है देश के लिए कैसे काम आ सकता है। मित्रों नया जब करने की ताकत आए तब आए, कम से कम माइनिंग वर्क तो कर सकते हैं और ये टैलेंट को खोज करके निकाल तो सकते हैं। नेशन बिल्डिंग करना है तो ये ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। हमारे जो टैलेंट पूल है, हमारे टैलेंट को टैलेंट पूल से जोड़ना, हमारे टैलेंट पूल को नेशन बिल्डिंग के साथ जोड़ना और उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए। मित्रों मैं गुजरात का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रों हमारे यहां हमने एक स्टडी किया कि आदिवासियों के कल्याण के लिए आजादी के बाद इतने रुपये खर्च किए गए, परिवर्तन क्यों नहीं आता है, स्थिति में बदलाव क्यों नहीं आता है, रुपये तो जा रहे हैं। उस सारी चीजों को स्टडी किया, उसके बाद हमने हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज ने ट्राइबल के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के रिसर्च किए थे, ट्राइबल एजुकेशन के संबंध में, ट्राइबल कस्टम के संबंध में, ट्राइबल की फूड हैबिट्स के संबंध में, कई प्रकार के रिसर्च। हमने उन सारे दस्तावेजों को इकट्ठा किया, हमारी एक छोटी टोली को बैठाया, समझने की कोशिश की कि रिसर्च किया है उसमें क्या चीजें पड़ी है, सरकारी अफसर फाइल के बाहर क्या बेचारा देख पाएगा, और फाइल में क्या होता है आपको मालूम है, आरटीआई करके देख लीजिए फाइल में क्या होता है पता चल जाएगा। मित्रों बाहर टैलेंट है उसको, हमने उसको खोजा ढूंढा, हमारे ध्यान में बहुत सी बातें आई और उसमें से हमारे यहां एक वन बंधु कल्याण योजना का एक पूरा पैकेज तैयार हुआ। पहला पैकेज हमने बनाया था 15,000 करोड़ का, इस बार हमने पैकेज बनाया 40,000 करोड़ का। और मित्रों मैं विश्वास से कहता हूं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इस प्रकार के विजन के साथ बजट को जोड़ करके काम में लगाया है, मैं देख रहा हूं मित्रों जो परिवर्तन हम 50 साल में नहीं ला पाए थे वो परिवर्तन हम इस 10 साल में हमारे आदिवासियों के जीवन में लाना चाह रहे हैं। क्यों? हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे रिसर्चर्स, उनके जो टैलेंट थी उस टैलेंट को जोड़ा, हमें परिणाम मिला। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं कि भारत के अंदर टैलेंट नहीं, ऐसा नहीं है, रिसर्च नहीं हो रही ऐसा नहीं है, लेकिन उसका महत्व ही नहीं बढ़ रहा है। और इसलिए मैं मानता हूं अगर एजुकेशन और नेशन बिल्डिंग की हम चर्चा करते हैं तो हमारे लिए आवश्यक है कि हमें रिसर्च पर बल देना पड़ेगा। और जो रिसर्च हो रही है वो सिर्फ किसी के घर के अंदर अपने दीवान खंड में एक सर्टिफिकेट लगाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए। और जब ये जिम्मेवारी के साथ रिसर्च जुड़ेगी ना तो रिसर्च की क्वालिटी में भी परिवर्तन आएगा। रिसर्च के जो गाइड हैं वो भी कहेंगे नहीं भाई तुम जरा दुनिया के रेफरेंस ले आओ, देखिए दुनिया में क्या हुआ है, जरा लाओ खोज करके लाओ, देखो हमारे देश के अनुकूल क्या हो सकता है, देखो वेद और उपनिषद के काल में क्या हो रहा था, देखो जरा आप देखिए परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाए। मित्रों कोई देश अगर रिसर्च को प्राथमिकता नहीं देता है तो ठहराव आ जाता है। समयानुकूल परिवर्तन के लिए निरंतर खोज, निरंतर नए आविष्कार, निरंतर नए आविष्कार वो एक सजीव जीवन और विकासशील जीवन की निशानी होती है। और इसके लिए हमने एक माहौल बनाना पड़ेगा। हमने पुरानी चीजों को ऊपर नीचे कर करके बहुत बढ़िया बाइंडिंग करके दे करके डिग्री तो ले सकते हैं मित्रों, समाज जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। और इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च ये समय की मांग है। मित्रों शिक्षा कैसे जीवन बदलती है और कैसे परिवर्तन लाती है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमारे पूर्वज कैसे काम करते थे देखिए, इनको तरफ ध्यान देने जैसा है। आज आप जानते होंगे हिंदुस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयां बनाने वाली कंपनियां,
हिंदुस्तान में सर्वाधिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां गुजरात में है। शायद हिंदुस्तान का 45% दवाइयां उपलब्ध कराने का काम ये हमारे यहां दवाई की कंपनियां कर रही है, और जो गुजरात के बाहर है उसमें भी ज्यादा गुजराती है जो दवाइयां बनाते हैं, भले कंपनी उसकी कहीं पर भी होगी लेकिन है गुजराती, ज्यादातर गुजराती। क्यों? मैं यहां गुजरात की बात करने नहीं आया, मैं उस बात पर ध्यान देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे पहली फार्मेसी कॉलेज का जन्म उस समय के जो दीर्घदृष्टा लोग थे, ऐसे लोगों ने, सरकार ने नहीं, माफ करना मुझे, सरकार ने नहीं, उन नागरिकों ने एक फार्मेसी कॉलेज को शुरू किया 50-60 साल पहले। उस फार्मेसी कॉलेज में बच्चे पढ़ने लगे और उसमें से मित्रों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बल मिला और उस एक कॉलेज को जन्म दिया था। आज वो पूरे हिंदुस्तान की बीमारी को दूर करने का काम करने वाला एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। मित्रों, एक छोटी सी एजुकेशनल सिस्टम कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, इसका उदाहरण आप देखिए। मित्रों, हमारे देश में इन दिनों कभी आप देश के डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की चर्चा अगर सुनते होंगे, उसके आर्टिकल पढ़ते होंगे, तो आपको ध्यान में आता होगा, समय कितना है जी, मैं समय का पूछा, आप हंस दिए तो अर्थ क्या निकालूं, चालेल ना, हलू हलू। मित्रों, रक्षा के क्षेत्र में हम चारों ओर पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में अड़ोस पड़ोस में कैसे लोगों से हम गिरे हैं, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं। मित्रों, क्या देश का हालत है, कोई पड़ोस में दोस्त नहीं हमारा। मित्रों, मैं हैरान हूं जी, लेकिन मुझे कहना दूसरा है। आप मित्रों देखिए कि हमारे यहां आज डिफेंस फोर्सेस में टॉप ऑफिसर्स में बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत बड़ा क्यों है, हमारे देश के नौजवान आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में टॉप रैंक की पोजीशन पर नहीं जा रहे हैं। क्या मित्रों ये देश आठवीं कक्षा से ही बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकता है कि हमें ये हमारे अफसरों की जरूरत है? मित्रों, 10 साल के भीतर भीतर वो जगह पूरी की जा सकती है नहीं की जा सकती, आप मुझे बताइए। मित्रों, हो सकता है नहीं हो सकता है? मैं कोई बड़ा आसमान से कोई सॉल्यूशन लेके आया हूं क्या? ये सीधी समझ की बात है ना। वो रोते रहते, यार क्या करे, अफसर नहीं है, क्या 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 मतलब है जी। आप देखिए मित्रों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिक्वायरमेंट के लिए जितना फॉरेन एक्सचेंज देता है विदेशों में, उससे ज्यादा हम अपनी मुद्रा विदेशी शस्त्रों को खरीदने में देते हैं जी। भारत की सुरक्षा के लिए विदेशों से शस्त्र लाने के लिए हमारा बहुत बड़ी मात्रा में इंडियन करेंसी जा रही है। क्या मित्रों इस देश में ऐसे इंजीनियर नहीं है क्या? क्या इस देश के पास ऐसा लोहा नहीं है क्या? क्या इस देश के पास ऐसे टैलेंट नहीं है क्या कि जो हमारे सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाए, न सिर्फ हिंदुस्तान की रक्षा करें, मित्रों दुनिया को भी हम अपने शस्त्र बेच करके हम हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को गर्व से जीने की व्यवस्था कर सकते हैं। शिक्षा को किस दिशा में ले जाना है यह तय करना चाहिए। हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में डिफेंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट नहीं है, अब बताइए क्या करेंगे। मित्रों, इन दिनों पूरे विश्व में टूरिज्म सेक्टर की चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि टूरिज्म बिजनेस $3 ट्रिलियन का बिजनेस दुनिया में है, $3 ट्रिलियन का। आजकल लोग उसमें भी न्यू मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, पूरे विश्व में वो टूरिज्म को जीवन का एक हिस्सा बना रहा है, हर कोई जाना चाहता है। हमारे यहां सदियों से परंपरा थी, हर बच्चे को लगता था अपने माँ बाप को चार धाम की यात्रा कराए, हर बच्चे को लगता था माँ को गंगा जी के दर्शन कराए, हर बच्चे को लगता था माँ को द्वादश ज्योतिर्लिंग कराए, हर बच्चे को लगता था सभी गणेश जी के स्थान पर चले जाए। ये हमारे यहां तो परंपरा थी, यात्रा के रूप में थी, लेकिन दुनिया में इन दिनों टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर विकसित हो रहा है।
पूरे विश्व को देने के लिए हमारे पास क्या नहीं है। दुनिया के देशों में अगर आप टूरिज्म के लिए जाएं और लोगों कहेंगे कितना साल पुराना है, तो कहेगा 100 साल, वो 200 साल, ये 250, कोई कहीं जाए ज्यादा ज्यादा कहेंगे 400 साल। हम यहां आए तो कहते हैं ये 5000 साल पुराना है, ये 2500 साल पुराना है, 4000 साल पुराना है। मित्रों, वो हैरान हो जाता है, ये क्या है हमारे पास, क्या सामर्थ्य पड़ा है। मित्रों, सिर्फ हमारे देश ने टूरिज्म सेक्टर को ध्यान में रख करके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बल दिया होता, हमने उस प्रकार के मानव संसाधन को तैयार किया होता जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे। आप देखिए मित्रों, मैं पुणे में जाऊं आज, मैं कहूं मुझे एक दिन के लिए गाइड चाहिए, पूरा पुणे से दिखाए, शिवाजी महाराज से लेकर के सारी बातें बताएं, लोकमान्य तिलक की बातें बताएं, मुझे गाइड मिलेगा? मुझे शक है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? हमने कभी सोचा नहीं मित्रों, हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था में इन चीजों को हमने बल नहीं दिया। अगर ये देते, लेकिन क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम 1200 साल की गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हैं। हमारे पास भी दुनिया को देने के कुछ है, इसके लिए भीतर से जो गर्व होना चाहिए, उस गर्व का अभाव है, इसलिए ताजमहल से बाहर निकल नहीं पाते हैं। मित्रों, इस देश के हर कोने में कुछ न कुछ देने का हमारा सामर्थ्य है, हम दुनिया को देते नहीं है। मित्रों, ताजमहल पूरे विश्व में इतनी हमारी अमानत के रूप में प्रचलित हुआ है। ताजमहल मैग्नेटिक किरण दुनिया को आकर्षित कर सकता है, लेकिन लोगों को लाने का काम ताजमहल कर रहा है, लोगों को दूर दूर तक पहुंचाने का काम हमें करना चाहिए, हमारी पीढ़ी को करना चाहिए, हमारी सरकारों ने, हमारी समाज ने सोचना चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से इस काम को भी किया जा सकता है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, गाइड। मित्रों, एक छोटा सा मैं उदाहरण बताता हूं कैसे परिवर्तन आता है। हमारे यहां सरदार सरोवर डैम जो है, जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर है, नर्मदा जिले के पास, और पता नहीं पहले क्या नियम थे मित्रों, यानी कैसी स्थगितता होती है, वहां पर किसी को एंट्री नहीं हुआ करती थी, नो एंट्री। दूसरा होता है यहां फोटो निकालने की मना है। मैंने मेरे अफसरों को बुलाया, मैंने कहा भाई आज सैटेलाइट से आपके घर के बाहर पार्क किए हुआ स्कूटर कौन सा है, उसका नंबर क्या है, कलर क्या है, सारी फोटो मैं ले सकता हूं, ये पुराना बोर्ड किस काम का है मुझे बताओ, ये नो एंट्री किस काम की है। मैं तो हमने उसको खोला, खोला इतना ही नहीं, टिकट रखी भाई जो भी आएगा ताकि रहे। मित्रों, मैं हैरान था, पहले 2 साल के भीतर भीतर 5 लाख विजिटर्स आए। फिर हमारे ध्यान में आया कि हमें यहां गाइड की जरूरत है, तो हमने वहां के ट्राइबल बच्चों को बुलाया, 10वीं कक्षा के पढ़े लिखे थे, उनको सारा ट्रेनिंग किया, और मित्रों वो धीरे धीरे करके 2-3 लैंग्वेजेज में विद फ्रैक्शन फिगर, कोई भी आता था उनको पूरा अपना एक छोटी सी लकड़ी हाथ में रख करके बड़े ढंग से यूनिफॉर्म पहन करके उनको दिखाते हैं कि इतनी इतनी सीमेंट लगा है, इतना लोहा लगा है, इस तारीख को शिलान्यास हुआ था, ऐसा हुआ। मित्रों, वो उनका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। मित्रों, चीज छोटी है, सवाल है कि क्या हम इस देश में इन चीजों को बदलाव ला सकते हैं। मित्रों, लाया जा सकता है, अगर हम इन चीजों पे कोशिश करें तो हम स्थितियों को बदल सकते हैं। लेकिन मित्रों, देश का दुर्भाग्य है कि हम मानव संसाधन पर हम बल नहीं दे रहे। आज हमारे देश का कृषि विकास दर 2-3% के बीच रहता है। हम बचपन से पढ़ते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना, जागते रहो, ठीक है ना। लेकिन टीवी पर देखते हैं तो क्या लगता है, भारत साबू प्रधान देश है, हम साबू का ही उत्पादन कर रहे हैं, इस क्वालिटी का सोप, इस क्वालिटी का सोप, यही मतलब मैं हैरान मित्रों, क्यों ना हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज दुनिया के अंदर एग्री टेक्नोलॉजी को लेकर के हम हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को क्यों तैयार न करें। हमने हमारे किसानों को उसके भाग्य पर छोड़ दिया है,
उसके पिताजी ने उसको जो आदतें छोड़ी थी, बेचारा आज देश की आजादी के 60 साल के बाद भी उसी परंपराओं से जी रहा है। मित्रों, हिंदुस्तान में 30 करोड़ की जनता का पेट भरने के लिए जितना अन्न लगता था, किसानों की संख्या कम हो रही है, जमीन की जगह कम हो रही है और 120 करोड़ का पेट भरने की नौबत आई है, तब जाकर के हमने आधुनिक एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ती है। मित्रों, हमने हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत होती है और इन चीजों को मित्रों सिर्फ परंपराओं से नहीं आता है, हमें इनोवेशन से आता है, रिसर्च से आता है, उस प्रकार की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आता है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने से आता है और उन सबको जोड़ते हैं तब परिवर्तन आता है। मैं तो दुर्भाग्य है देश का कि इन बातों की ओर हमारा ध्यान नहीं है और इन चीजों को बदला जा सकता है। अगर एक बार हम शिक्षा के इन मूल्यों को स्वीकार करें, मित्रों कभी भी, हमने काम अभी शुरू किया है इनोवेशन को बल देना। अब ये काम तो हिंदुस्तान की सरकार ने करना चाहिए, लेकिन कोई ना करे तो हम इंतजार थोड़ा कर सकते हैं, किसी ने तो करना चाहिए। मित्रों, हमने एक आई क्रिएट इंस्टीट्यूट बनाई है। आई क्रिएट इंस्टीट्यूट में हमने हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजवान, इवन स्कूल का बच्चा भी, उसके अंदर स्पार्क है, इनोवेशन करना चाहता है, टेक्निकल कोई सॉल्यूशन देना चाहता है, तो हम इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर आई क्रिएट। और उस आई क्रिएट में हम अभी उसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और उसके अंदर हम ऐसे नौजवानों को ला करके उनको पूरा एनवायरमेंट देने वाले हैं, वो अपने टैलेंट का भरपूर उपयोग करें और देश और दुनिया को कुछ दे। मैंने नारायण मूर्ति से प्रार्थना की, मन गए जी ये सपना है हमारा, सरकार पैसे देने के लिए तैयार है लेकिन मैं इसको सरकार के पास रखना नहीं चाहता। मित्र, ये बहुत बड़ा फर्क है हमारे में औरों में, फर्क है। और लोग पावर में इंटरेस्टेड हैं, हम एम्पावर की प्रायोरिटी रखते हैं। उनको सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, हमें देश के हर नागरिक को एम्पावरमेंट देना है। बहुत बड़ा बदलाव है मित्रों हमारी सोच में। और इसलिए हमने कहा नारायण मूर्ति जी को, आप आइए इसको संभालिए। नारायण मूर्ति जी ने बड़ा अध्ययन किया, मोदी है उसके पास जाया जाए तो क्या होगा, इनकम टैक्स की नोटिस तो नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने 6 महीने लगाए लेकिन बाद में हिम्मत दिखाई और आज वो उसके चेयरमैन के नाते मेरे यहां काम कर रहे हैं, समय दे रहे हैं और हम एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन इस देश को देना चाहते हैं। मित्र, हम लोग चिल्लाते रहते हैं यार ये पुलिस ये करते हैं ना, मतलब भाई ने इकड़ क्या है, यही करते हैं ना। मित्रों, क्या ये भी इंसान है, बदला नहीं जा सकता है क्या, सोचिए आप मित्रों, ये हम कैसे मान लिया कि नहीं नहीं सब बेकार ही है, क्यों मान लिया। मैं तो हमने एक शुरुआत किया है, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई, अभी अभी शुरू किया है, अभी उसके 3 साल हुए। और जो बच्चे यूनिफॉर्म सेवा में जाना चाहते हैं उनको 10वीं और 12वीं के बाद वहां एडमिशन ग्रेजुएशन का देते हैं, उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, उसको हिस्ट्री, उसको कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लॉ, मास क्राउड साइकोलॉजी, सारी चीज पढ़ाई जाती है। और वहां से ग्रेजुएट होकर के जब वो पुलिस में जाएगा, आप मुझे बताइए मित्रों कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, कहीं से तो शुरू करो मित्रों। मित्रों, चीजें बढ़ाई और हर चीज के अंदर मित्रों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे पहली बात होती है। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साइबर क्राइम की, चारों तरफ हल्ला मचाए कि हॉलैंड में बैठा हुआ एक बच्चा अपने कंप्यूटर की उंगलियां घुमा करके आपकी पूरी बैंक में से चोरी करके माल ले जा सकता है, ये ताकत है आज साइबर क्राइम की। मित्रों, हम रोते बैठेंगे क्या, और हमारी जो पुलिस जिस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग हुई है उसके माध्यम से हम साइबर क्राइम सॉल्व कर पाएंगे क्या, हमने उसके लिए काम करना पड़ेगा। और मित्रों, आज मैं गर्व के साथ आपके सामने कहता हूं, गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में हम पहले हैं जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी प्रारंभ की है। लेकिन मित्रों, कभी कभी क्या होता है, हम सुनते हैं
थोड़ा बहुत याद रखते हैं, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। मैं बोल रहा हूं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, बराबर है। कल हमारे कांग्रेस के मित्र बयान देंगे, मोदी झूठ बोल रहा है, फलानी जगह पर फॉरेंसिक साइंस का कोर्स है, डिग्री जगह पर फॉरेंसिक। मैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स नहीं बोल रहा हूं, मैं फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बोल रहा हूं। तो हर चीज में एक खेल चलता रहता है, और इसलिए मित्रों, क्या हम हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप, देश के रिक्वायरमेंट के अनुरूप हम मानव संसाधन को तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मित्रों, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमारे यहां बहुत तेजी से शहरीकरण की तरफ हम आगे बढ़ रहा है, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, शहरीकरण हो रहा है, गांव से लोग निकल निकल करके शहरों में बस रहे हैं। आप मुझे बताइए, पूरे हिंदुस्तान में अर्बन प्लानिंग की कितनी कॉलेजेस हैं, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कॉलेज है, अर्बन मैनेजमेंट की कितनी कॉलेजेस हैं, अर्बन वाटर रिसोर्सेज की कितनी नहीं है मित्रों, नहीं है। अगर हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो कौन रोकता है आपको कि उसके अनुसार एजुकेशन सिस्टम को खड़ा करो, ताकि उस प्रकार का मैन पावर हमें उपलब्ध हो। मित्रों, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको एक मेडिकल कॉलेज करनी है तो दिल्ली जाकर के जब तक 2 साल तक अपने रगड़ोगे नाक नहीं रगड़ोगे, आपको मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती है। एक तरफ डॉक्टरों की जरूरत है, स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनना है, मां बाप बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने वाले को जीवन में सेवा और पैसा दोनों की संभावना है, लेकिन हम डॉक्टर बनाने को तैयार नहीं है। और उसलिए कोई रशिया जाना रहा है पढ़ने के लिए, कोई चाइना जा रहा है। मित्रों, आज हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसके बच्चे चाइना या रशिया में मेडिकल कॉलेज के लिए गए ना हो। वो अरबों खरबों डॉलर, हमारी हिंदुस्तान की करेंसी जा रही है, लेकिन हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के हिंदुस्तान के हर गांव को डॉक्टर मिले, इस प्रकार का मास स्केल पर डॉक्टरों के एजुकेशन के लिए क्यों न आगे बढ़े। मित्रों, राष्ट्र को कहां ले जाना है, एक समस्याओं का समाधान कैसे करना है, और दूसरा नई ऊंचाइयों को कैसे पार करना है, उसके विजन के साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को अगर हम बल देते हैं, तो बाकी संसाधन खड़े करने की ताकत उस व्यक्ति में होती है। आप मुझे बताइए बात, यहां कोई भी व्यक्ति होगा, मैं सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए, आपके मन में ही सवाल का जवाब दीजिए। आपको कोई पूछे कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा क्या है, आप मन में जवाब सोचिए। मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, आप सबके मन में एक ही विचार आया होगा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा, ठीक है, मैं सही कह रहा हूं, जरा कहिए तो मैं सही कह रहा हूं। हर मां बाप उसमें, मां को सविशेष, बाप को तो और 50 चीजें और संभालने में बिजी हो गया है, हर मां बाप के मन में एक सपना था, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। मित्रों, अगर अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें अच्छे टीचर बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम आईएम खड़ी खड़ी करते हैं, सीईओ तैयार करते हैं, और दुनिया में जाकर के हमारे सीईओ कंपनियां चलाते हैं, लेकिन हम हमारी नई पीढ़ी तैयार करने के लिए अच्छे शिक्षक हमारी प्रायोरिटी नहीं है। मित्रों, हिंदुस्तान समृद्ध था, उसका कारण था उसके पास उत्तम शिक्षकों की गुरु परंपरा थी, जिससे हमने उसको नष्ट कर दिया, हम तबाही की गर्त में डूबते चले गए। और इसलिए किसी ने, मित्रों, आप आज दुनिया में जाने का फैशन है, विदेश में जाना है, उसमें भी हम तय कर सकते हैं कहां जाना। आज पूरे विश्व को मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की जरूरत है, मिलियंस ऑफ मिलियन नर्सिस की जरूरत है, दुनिया को मैथ साइंस के टीचर नहीं मिल रहे। क्या हम टीचर एक्सपोर्ट करने का सपना नहीं देख सकते?
जिस देश में 65% यंग पॉपुलेशन हो, 35 से नीचे हो, पूरे विश्व में मित्रों हम टीचर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। और मित्रों, एक व्यापारी विदेश जाता है, एक प्रोफेशनल विदेश जाता है, तो डॉलर पाउंड तो कमा लेता है, लेकिन अगर एक टीचर विदेश जाता है तो उस देश की पूरी पीढ़ी को कब्जा कर लेता है। अगर आपका ग्लोबल विजन हो मित्र, हर विश्व के कोने में हिंदुस्तान का शिक्षक क्यों ना हो, और हमारा शिक्षक जाएगा तो सिर्फ मैथ्स और साइंस लेकर नहीं जाएगा, वो हमारे इथोस को लेकर जाएगा, हमारे कल्चर को लेकर जाएगा, दुनिया को परिचित कराएगा। लेकिन सपना तो चाहिए मित्रों। हमने छोटा काम शुरू किया है, वी आर फर्स्ट इन इंडिया, हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन एक यूनिवर्सिटी शुरू की है, जिसमें 12th के बाद भी अगर आपका एप्टीट्यूड टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत है, आप वहां आइए, आपका टीचिंग प्रोफेशन में ही ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं होगा, 5 साल का कोर्स होगा। और मैं मित्रों सपना देख रहा हूं, जिस प्रकार से IIM के अंदर कैंपस इंटरव्यू करके 2 करोड़ 3 करोड़ के पैकेज से CEO उठाए जाते हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जब कैंपस इंटरव्यू करके करोड़ों रुपया देकर के टीचर्स को मांग बढ़ेगी, वो स्थिति मुझे पैदा करनी। अगर हर मां बाप के मन की इच्छा है कि उसको अच्छा टीचर मिले, हर मां बाप का सपना है कि उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिले, तो हम उसको प्राथमिकता क्यों नहीं देते मित्रों? मैं तो हैरान हूं, आज हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, विश्व व्यापार की चर्चा करते हैं, विश्व व्यापार में सबसे बड़ी ताकत लगती है आपका सामुद्रिक व्यापार की। हमारे पास 2/3 हिंदुस्तान भाग्यवान है, 2/3 हमारा कोस्टल एरिया है हिंदुस्तान का। अगर कोस्टल एरिया है और विश्व व्यापार हमको करना है मित्रों, एक सिंगापुर इतना छोटा सा, उसके समुद्री तट से जितना विश्व व्यापार होता है उसकी तुलना में इतना बड़ा हिंदुस्तान हम कहीं नहीं है दोस्तों। कारण मित्रों, हमारे देश में मरीन इंजीनियरिंग, पोर्ट मैनेजमेंट, इन सारे विषयों का कोई एजुकेशन व्यवस्था है, बहुत कम मात्रा में है। अगर 2/3 समुद्री तट है, पूरा विश्व व्यापार एक हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व बढ़ने वाला है, तो क्यों ना मरीन इंजीनियरिंग, पोर्ट मैनेजमेंट, पोर्ट से लेकर के समुद्रिक व्यापार से लेकर लेने वाले सारे प्रोफेशनल एजुकेशन को हम क्यों बल न दें? अगर हम ये करते हैं तो मित्रों, क्या हमारे नौजवान बेरोजगार रहेंगे क्या? और मित्रों, मुझे गर्व से कहना है, भारत सरकार कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई एक राज्य है जहां बेरोजगारी कम से कम है, उस राज्य का नाम गुजरात है दोस्तों। क्यों? किस प्रकार की विकास की आवश्यकता है उसके अनुरूप अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो परिवर्तन आता है। मेरे यहां कोई भी इंडस्ट्री आती है तो मैं उसको पहले पूछता हूं, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है बताइए। वो कहते हैं हमें ऐसे ऐसे लोग लगेंगे। मैं कहता हूं पहले वहां कॉलेज चालू करो, ITI चालू करो, फिर बाद में तुम्हारा इंडस्ट्री चालू करो। वहां के उस इलाके के बच्चों को ITI पढ़ाओ, 1 साल 1.5 साल का कोर्स कराओ, और फिर तुम्हारे यहां उसको जो इस प्रकार के लोग चाहिए वो करो। मित्रों, हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लेकर चलते हैं ताकि उस इलाके के नौजवानों को तुरंत रोजगार मिल जाए, उनको चाहिए वैसा स्किल मिल जाए। और मित्रों, हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो स्किल डेवलपमेंट पर बल देना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी ओबामा जब दोबारा प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने उनका जो भाषण वो सुनने जैसा है। ओबामा अमेरिका जैसा समृद्ध देश का प्रेसिडेंट भी दुनिया के सामने विषय रखता है कि हमें सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है स्किल डेवलपमेंट की। मित्रों, हमारे पास 65% नौजवान है, उनके पास 2 भुजाएं हैं मित्रों, लेकिन उसके हाथ में हुनर नहीं है, उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट है। और ये दिल्ली में ऐसी सरकार है जिसको लगता है कि सर्टिफिकेट आ गया ना सब आ गया, फूड सिक्योरिटी बिल आ गया मतलब आपकी थाली में खाना आ गया, यही चल रहा है मित्रों, यही चल रहा है। और इसलिए मित्रों, हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट को बहुत बल देने की आवश्यकता है। और जितना प्राधान्य हम स्किल डेवलपमेंट को देंगे, हमारे नौजवानों को कोई ना कोई हुनर सिखाएंगे। और मित्रों, वो समय नहीं आज, आज हमारा नौजवान कोई भी काम करने के लिए तैयार है, उसको कोई संकोच नहीं है मित्रों, मैंने देखा है। थोड़ा हम उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास करें,
उनमें उनके अंदर विश्वास पैदा करें, हम स्थितियों को बदल सकते हैं। मित्रों, बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें मैं नॉनस्टॉप आपसे सामने कर सकता हूं, अपने अनुभव के आधार पर मैं बातें बता रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि राष्ट्र निर्माण के अंदर शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी शिक्षा राष्ट्र निर्माण के हमारे सपनों के अनुकूल होनी चाहिए, और मित्रों हमारी शिक्षा वो हो जो हमें अहम से वयम की ओर ले जाए, हमारी शिक्षा वो हो जो हमें स्व से समष्टि को जोड़ने का रास्ता दिखाती हो, हमारी शिक्षा वो हो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने वाली हो, हमारी शिक्षा वो हो जो पूरी पूरे पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार मानने वाला हो। और जब अगर हम उस बात को मानते हैं तो एनवायरमेंट की समस्या कहां से आएगी? मित्रों, अगर हम कहते हैं कि गंगा मेरी मां है, हम कहते हैं वृक्ष को मैं मां की तरह पूजता हूं, पिता की तरह पूजता हूं, तो मैं उस वृक्ष को क्यों काटूंगा? मित्रों, हमारी शिक्षा और दीक्षा का महात्मा है, अगर उसको लेकर के हम देश को चलाने की कोशिश करते हैं, मित्रों समस्याओं का समाधान बहुत दूर नहीं है, हम स्थितियों को पलट सकते हैं, हमें जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार के मनुष्य के निर्माण की ओर हम बल दे सकते हैं। और जिस बात को लेकर के आज मुझे इस पवित्र जगह पर आने का अवसर मिला है, मुझे विश्वास है हम सब मंथन करके विचार विमर्श करके एक समाज की शक्ति के आधार पर कभी न कभी तो इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस शिक्षा नाम की जो व्यवस्था है उसकी एक मजबूत नींव डालने में सफल होंगे। इसी एक कामना के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था उन नौजवानों को जो मेरे से थोड़े दूर बैठे हैं, दोस्तों मैं आ रहा हूं। धन्यवाद।